या तो बोले मेरी सेटिंग है टोरेंट में, वो जब मैंने अपना कारोबार चालू किया था बिजनेस यहाँ पे रशीद कंपाउंड के अंदर, तो इसने मेरे पीछे 45,000 रुपये लगाया था। बोले ये बहुत आसानी से हो जाएगा मोहिम भाई। ये खुद मालूम क्या करते हैं, लोगों के पास जाते हैं, हमारे पास सांप है, डबल मुंडी का सांप, खरीदना है क्या? नोट है, मैं बाबा हूँ, तुम्हारा पैसा डायरेक्ट ट्रांसफर करा दूंगा मैं। मेरी पुलिस में सेटिंग है तो उसने 25,000 रुपये मेरे से लिया एडवांस। पुलिस का नाम लेके कोई पैसा नहीं लिया गया, पुलिस इसमें कोई दोष नहीं देता है और ना मैं पुलिस के ये जाता हूँ। और फ्रिज का एक मामला मेरे से दिलवाया मेरे बजाज कार्ड पे, तो DG1 में से मैंने फ्रिज लिया था, उनके अकाउंट से कटता है लेकिन पैसा मैं देता हूँ ना हर महीना। अब मसला जो मेन है ना मेरा, वो मेरी लाइट का है, मेरा मीटर घर का कट चुका है, मेरा कभी भी चालान हो सकता है। इनका भी मेरे पास 1 रुपया नहीं है। इतने परेशान किया आज 9 महीने से, आज 22 दिन हो गए लाइट को कटे हुए। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। एक बार फिर अफसर डायरी पर पैसों के लेन देन ठगी का आरोप लगा है। ये इस पूरे मामले में हमने अफसर डायरी और मोइनुद्दीन शेख से भी बात की है, इन दोनों लोगों ने अपना पक्ष क्या रखा है वो भी हम आपको सुनाएंगे। आपको बता दें कि मुमरा के तनवर कॉम्प्लेक्स में रहने वाले मोइनुद्दीन शेख ने अफसर डायरी पर आरोप लगाया है कि 43,000 से 45,000 रुपये टोरेंट का बिल कम करने के लिए उन्होंने दिए थे, मगर बिल कम नहीं हुआ और जिसके वजह से उनके घर की बिजली भी आखिरकार काट दी गई। इसके अलावा महाडा में घर के नाम पर भी 80,000 रुपये इन्होंने दिए थे और किसी अधिकारी को फ्रिज दिलाने के नाम पर अफसर डायरी ने इनसे 40,000 रुपये की फ्रिज भी खरीदारी करवाई थी। यही नहीं, किसी पुलिसकर्मी को देने के लिए 25,000 रुपये भी अफसर डायरी ने मोइनुद्दीन शेख से लिया था। और कुछ इस तरह से मोइनुद्दीन शेख को अफसर डायरी ने ठगी का शिकार बनाया, ऐसा आरोप मोइनुद्दीन शेख अफसर डायरी पर लगा रहे हैं। पहले सुनिए मोइनुद्दीन शेख ने अफसर डायरी पर क्या आरोप लगाया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोइनुद्दीन शेख है। घर कहाँ पे आप? मैं तनवर कॉम्प्लेक्स अरबाज महल सीविंग रूम नंबर 104। अच्छा, पैसे का लेकर जो ये मामला है, क्या है पूरा मामला? ये बिल कम कराने का पैसा था, इसने बोला कि मैं किसने कहा था? मेरा बिल करीब 80,000 रुपये का बिल था उस टाइम का, जिस टाइम को मैंने काम दिया तो बोले मेरी सेटिंग है टोरेंट में। किसने कहा था? ये अफसर शेख, अफसर डायरी के नाम से है, अफसर शेख भी बोलते हैं अपने आपको। और मैंने इसको काम दिया कि भाई ठीक है, मेरे 2 मीटर हैं, क्वालिटी थे, बोले ये बहुत आसानी से हो जाएगा मोहिम भाई, आप मेरे को दे दो, मैं करा देता हूँ। तो मैंने पूछा कितना होगा, तो एक का 25,000 बोला और एक का 20,000 बोला, टोटल दोनों के 45,000 बोला इसने। मैंने 43,000 दे दिए इसको, देखे आज जो है उसको करीब 8 महीने होने जा रहे हैं, बस आज और कल ये बोलता है कि आज कराता हूँ कल कराता हूँ, ऑफिसर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, छुट्टी। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए ना कि आपका 80,000 बिल आया है और मीटर टोरेंट का है, तो ये तो टोरेंट का कोई अधिकारी अफसर डायरी है नहीं, तो फिर ये कम कैसे कराएगा? क्या बोल के लिया? बस ये था कि सेटिंग मेरी है, बोले मोहिम भाई ऑफिसर लोग से, वो मैं करा दूंगा आपको। और मेरा कैसा था, फॉल्टी था, अगर मैं खुद भी जाता तो करा लेता, मगर मेरी थोड़ी मेरे थोड़ा सा प्रॉब्लम थी कमर की, मैं 1 साल से बैक पेन का प्रॉब्लम था, स्लिप जिसका, वो उसकी वजह से मैं बेड से नहीं उठ पा रहा था, तो मैंने इसको दिया कि भाई ये फॉल्टी है। बोले ये बहुत आसानी से हो जाएगा मोहिम भाई, पहले आपका ये MBCE में था, ये फॉल्टी था, और उन लोगों ने लगा के भी दिया था मेरे को दूसरा मीटर नया, और उन लोगों ने बोला था कि नए मीटर के हिसाब से आपका बिल आएगा, तो बहुत आसानी से होता, मगर इसने इतने परेशान किया आज 9 महीने से कि ये आज कल करते करते कम से कम 9 महीने में 9 लाख वादे कर चुका है, मगर 1 वादे पर भी सच्चा नहीं उतरा है। तो क्या बोल के पैसे लिया गया आपसे? मैंने पहले इसने मतलब इसे सारी सेटिंग बताई कि मेरी यहाँ सेटिंग है, वहाँ सेटिंग है, TMC में है, इधर है, उधर है, और भी मेरे पैसे लिए। यानी आपसे 45,000 टोरेंट का बिल करने के नाम, कम करने के नाम पे? जी, इसके अलावा और भी पैसे कुछ लिया? हाँ, महाड़ा में इसने बोला था कि महाड़ा के नाम पे भी लिया। हाँ, महाड़ा के नाम पर लिए। कितना लिया? दोस्ती के बाजू में जो महाड़ा है, बोले उसमें 3 रूम दिला दूंगा मोहिम भाई, 1 रूम 3 लाख का रहेगा, 9 लाख रुपये होते हैं, उसमें आप 30 अपना जो है एडवांस दे दो 80,000 रुपये। तो मैंने 80,000 रुपये दे दिए, और जिन जिन के नाम से लेना था उनके फोटो वगैरह सब उसने अपने व्हाट्सएप पे मंगा ली थी मेरे से सारे, और उसमें भी आज तक कुछ नहीं हुआ, और उसने भी उसमें डाल दिया। और फिर मेरे किसी पर पैसे निकलते थे, उसको बोले अर्जेंट किसी पुलिस वाले को, तो माटा के नाम पे कितना दिया पैसा? 80,000 रुपये। 80,000 रुपये दिया, और बोले वो आपको महाड़ा में 1 महीने में आ जाएंगे। 1 महीना गया, 2 महीने गए, 3 महीने गए, उसको भी करीब 9 महीने होने जा रहे हैं, उसमें भी कुछ नहीं आया आपने, और सिर्फ वादे किए उसने। दूसरा, फिर मेरे एक तो पैसा निकलता था, उस पैसे को
बोले मैं निकलवा दूंगा मोइन भाई, मेरी पुलिस में सेटिंग है, तो उसने 25,000 रुपये मेरे से लिया एडवांस। रात में उसके दो बंदे भी आए थे, वो भी गवाह हैं इस बात के। 25,000 ये कैसा लिया? 25,000 रुपये बोले उनको देने गया पुलिस वाले को। पुलिस वाले को? हाँ, पुलिस वाले को देना है। तो ये किस किस ने लिया था ये पैसे? मेरे पैसे निकलते थे किसी पे 16 लाख रुपए। अच्छा, तो वो निकलवाने के लिए आपसे 25,000 रुपए मुझे पुलिस को देना है। अच्छा, और वो फिर गया रात को 1 बजे मेरे से पेमेंट लेके गया, वहाँ से एक चेक लेकर आया। वो चेक दिया, चेक जो है बोले आज नहीं डालना, कल डालना, परसों डालना, तरसों डालना, कहते कहते 1 महीने बाद बोला मैं उसको दूसरा बनवा के ले जाता हूँ, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। फिर दूसरा लाया तो उसके बाद वो अपने हाथ में लिया, बोले मैं अपने अकाउंट में डाल लेता हूँ। उसको भी करते करते आज 8-9 महीने हो गए, उसमें भी कुछ नहीं हुआ और वो बात भी रफा दफा हो गई। अब मसला जो मेन है ना मेरा, वो मेरी लाइट का है। मेरा मीटर घर का कट चुका है, मेरा कभी भी चालान हो सकता है और कभी भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अब वो अब मेरे को है टेंशन, मैं एक इज्जत वाला आदमी हूँ, मुमरा में लोग मेरे को जानते हैं, मेरा कबाड़खाना फर्नीचर तनवर नगर में है, लोग सब जानते हैं अलहमदिल्ला तनवर नगर में, मगर मैं इज्जत से डरता हूँ अपनी कि मेरी कोई बेइज्जती करे आके। लेकिन आपसे इतना पैसे वो जब मांगते गया तो आपने क्यों दिया? आपको शक नहीं हुआ उसके ऊपर कि कहीं फ्रॉड नहीं कर रहा है, चीटिंग नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ आपको मालूम नहीं पड़ा? ऐसा क्योंकि खबरें भी उसके बारे में चल चुकी हैं। हाँ, ये खबर जो आई ना अभी उसकी घर वाली, वो मैंने बाद में देखी, स्टार्टिंग में मुझे ऐसा नहीं लगा। और वो सारी जगह पर लेके जाते थे साथ में मेरे, उसमें उसमें जो है ना सारी सेटिंग दिखाता था आदमी। और फ्रिज का एक मामला मेरे से दिलवाया मेरे बजाज कार्ड पे, कि बोले मुझे TMC में जो है ना हम एक बहुत बड़ा काम दे रहे हैं, TMC का ऑफिसर है, मेरे TMC ऑफिसर ऑफिस लेके गया, TMC ऑफिस, बोले यहाँ पर देने का, देखो एक ऑफिसर को बहुत बड़ा काम देगा TMC, उसको कुछ गिफ्ट देते हैं। तो पहले मोबाइल बोला, तो मोबाइल नहीं समझ में आया उसको, तो उसने फ्रिज ली और फ्रिज लेके उठा के किसी और को दी उसने, बाद में पता चला ऑफिसर को नहीं दी, और वो पैसा कैश लिया सामने वाले से। कितने की फ्रिज थी? 40,000 की फ्रिज थी, उससे कैश लेके उसने वो रोलिंग किया, और हर महीने मेरे तकाजे करते करते उसको वो सिर्फ एक, जिसके बारे में आपने शिकायत वगैरह कुछ कहीं पर किया है पुलिस स्टेशन में, लेटर अर्जी वगैरह कुछ दिया है? ये जो है ना बात चल रही थी यहाँ पर पुलिस चौकी में, मगर वो बात अभी आए हैं आप? अभी हाँ अभी आए हैं, अभी बात चल रही है उनसे सर से, वो थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है अभी है, तो वो देखते हैं अभी क्या होता है उनसे। और तो बहुत ज़्यादा मुझे सबसे ज़्यादा जो टेंशन है वो मेरे मीटर की है, कि मेरा मीटर मेरे लग जाए, और मेरा मीटर फॉल्टी है ये MDC को मालूम था, उन्होंने मेरा दूसरा मीटर ला के दिया था, और वो बोले थे कि क्लियर हो जाएगा आपका, मगर उसके बाद फौरन ये टोरेंट आ गई और वो काम मेरा रुक गया। और मेरी प्रॉब्लम जो थी स्लिप डिस्क की थी, मैं उठ नहीं पाया साल भर घर से, और घर में मेरा कोई और है नहीं मर जो ये काम कर लेता। अभी आपके घर में लाइट है या नहीं? नहीं नहीं लाइट नहीं है। कितने दिनों से लाइट? आज 22 दिन हो गए लाइट को कटे हुए, उसको दिखाया भी थे ले जाके मैंने डायरी को, बिल ना जमा होने की वजह से। हाँ, बिल जमा होने की, इसको दिखाया भी नफ्स डायरी को कि भाई देखिए मीटर कट गया है, और वो लोग अभी दोबारा मैं जोड़ूंगा नहीं इसको जब तक तू भरेगा नहीं, तो बोले हाँ मैं कल कराता हूँ, परसों कराता हूँ, कराते कराते आज इसको भी 22 दिन हो गए और वादे ही कर रहा है खाली। और भी लोगों से मैंने करवाया, उसको रेफरेंस दिलवाया, उनसे भी वादे ही किए उनसे, ठीक है। और मौते पर वो मतलब लोग हैं जिससे वादे किए, वो लोग भी परेशान हो गए कि भाई ये झूठा आदमी है, ये शायद नहीं करेगा कुछ। वही अफसर डायरी ने भी मोइनिक बिन शेख द्वारा जो इल्ज़ाम अफसर डायरी पर लगाया जा रहा है, उन सभी इल्ज़ामों को अफसर डायरी ने गलत बताया है। कहा है कि उनका 1 रुपया भी नहीं बाकी है, जो भी उनका पैसा बाकी था वो सब कुछ दे दिया गया। अफसर डायरी ने भी अपना पक्ष रखते हुए क्या कुछ कहा है सुनिए। अफसर भाई, मोइनुद्दीन शेख नाम के एक शख्स ने आप पे आरोप लगाया है कि आपने टोरेंट के बिजली का बिल कम कराने के लिए आपने उनसे 45,000 या 43,000 रुपये ले लिए हैं और वापस नहीं कर रहे हैं आप। ये बात झूठ है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। वो जब मैंने अपना कारोबार चालू किया था बिजनेस यहाँ पे रशीद कंपाउंड के अंदर, तो इसने मेरे पीछे 45,000 रुपये लगाया था, 45,000 रुपये लगाया टोटल। लगाने के बाद रमज़ान की ही बात है, मैंने इसको राशन का टेंशन हुआ, मैंने राशन भेजा 23,000 का 23,000 24 रुपये का राशन हुआ था, 10,000। फिर उसने मेरी कंप्लेंट किया, वो पैसा नहीं दे रहा, पैसा नहीं दे रहा। मैं 10,000 रुपये पुलिस स्टेशन में मेरी कंप्लेंट किया था उसने, मैं 10,000 पुलिस स्टेशन के थ्रू उसको दिया। उसके बाद 10,000 रुपये एक टाइम, 3,000 रुपये एक टाइम, ऐसा करके मैंने मतलब ये टोटल इसको 47,000-48,000 मैं इसको दे चुका टोटल, क्योंकि 23,000 का राशन होता है, 10,000 रुपये इनके थ्रू दिया, 10,000 रुपये मैंने अपने दुकान पे दिया और 2,500-3,000 रुपये ऐसा एक्स्ट्रा दिया। और वो बोलता है फ्रिज का, तो DG1 में से मैंने फ्रिज लिया था, DG1 वालों को आप जाके पूछ सकते हो, उसका डाउन पेमेंट मैंने भरा,
10,000 रुपया डाउन पेमेंट हुआ मैंने भरा, इसको हर महीना मैं ईमेल डालता हूँ उसके अकाउंट में, मेरे जो अकाउंट में डालता हूँ ना उसका अकाउंट चेक कर सकते हो। 2,100 रुपये ये है, मैं 3,000 रुपया 2,500 रुपया 3,000 रुपये उसको डालता हूँ। फ्रिज किस लिए लिए थे कि मनपा अधिकारी को? नहीं, मेरे वो किसी दोस्त को देने का था तो इसके बाद बजाज कार्ड था, बजाज कार्ड बनवा दूसरे को दे। नहीं, बजाज कार्ड था, किसी को देने का था तो इसने बोला कि मेरे बजाज कार्ड से मान लो मेरे को हर महीना जो है एक्स्ट्रा पैसा देना, तो इसने एक्स्ट्रा पैसा मिलना चालू किया। उन्हीं के अकाउंट से कटेगा ना पैसा? अकाउंट से उनके कटेगा पैसा, मैं देता रहता हूँ। अभी एक महीना पहले भी मैं ग्यासू भाई की ऑफिस के अंदर इस्माइल वकील के सामने मैंने 2,500 जो ईएमआई का था ना वो भी दिया मैंने, खाली ये महीना बचा, वो भी इसलिए ईएमआई नहीं दिया क्योंकि मुझसे वो बोलता है कि ईएमआई मेरे को 2,100 नहीं चाहिए, ईएमआई मेरे को 3,000 रुपये चाहिए महीना, हर महीना 3,000 चाहिए। अच्छा, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि आपने किसी पुलिस कर्मी के नाम से 25,000 रुपया उनसे लिया कि नहीं? झूठ बात देना है, झूठ बात है, किसी पुलिस कर्मी के नाम से नहीं लिया। उनको पूछो ना कभी मिलाया कि आज तक के मैंने किसको, कभी किसी मुलाकात करा के दिया क्या? झूठ, वो झूठ बोलने की आदत है। महाड़ा के नाम पे भी 80,000 के नाम पे 80,000 झूठ बोले, झूठ बात है। वो तो अभी ये न्यूज आप लोग की चली थी तो उनको सब बहाना मिल गया, इसके नाम पे बोलोगे तो ये होगा, इनके नाम पे बोलोगे तो ये होगा। ये खुद मालूम क्या करते हैं, लोगों के पास जाते हैं, हमारे पास सांप है, डबल मुंडी का सांप, खरीदना है क्या? नोट है, मैं बाबा हूँ, तुम्हारा पैसा डायरेक्ट ट्रांसफर करा दूंगा मैं। ये तो लोगों के पास कुछ जाते हैं, एविडेंस नहीं है जिसके पास, जिसके पास गए थे, जिसके पास बात किए थे, वो आदमी, वो लेडीज और वो आदमी है मेरे पास। क्या नाम है वो लोग का? वो नाम नहीं बोल सकता, मैं नाम नहीं बोल सकता। उनके पास गए थे। इस तरह के इल्जाम लगते रहते हैं, आप कहते रहते हैं कि मैं दे दिया हूँ, दे दिया हूँ, तो ये कैसे शहर सर, ये सर इनका अकाउंट चेक कर लो, इतने लोग शहर से निकल के, जिसके पहले भी 8-10-12 लोग आए, और इस तरह के आज भी एक शख्स सामने आया, तो क्या कहेंगे? इस तरह की घटना है जो सामने आ रही है, आपका पैसा लेने का मामला, पुलिस से आपका संपर्क जोड़ देते हैं लोग, पुलिस का नाम लेके पैसा ले लेते हो? नहीं, ये गलत बात है, पुलिस का नाम लेके कोई पैसा नहीं लिया गया, पुलिस का इसमें कोई दोष नहीं रहता है, और ना मैं पुलिस के ये जाता हूँ। मेरा कारोबार जब रमजान का हुआ था, बस वही कारोबार जो मैंने बड़े पैमाने अपना चालू किया। आप कितना पैसा इनका बाकी है मोहनीतुन का? इनका भी मेरे पास 1 रुपया नहीं है, 1 रुपया नहीं। वो जो इसका बचा हुआ 3-4 महीने का पैसा ईएमआई का, हाँ। जो मैं DG1 से फ्रिज लिया था। अरे ईएमआई का उनके अकाउंट से कटेगा ना? तो पैसा तो मैं दे रहा हूँ ना, उनके अकाउंट से कटता है, लेकिन पैसा मैं देता हूँ ना हर महीना। टोरेंट का और उनके और उनके और उनके अकाउंट में ट्रांसफर करता हूँ, बात सुनो, उनके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर करता हूँ, वो भी 2,100 रुपये उसका वो है डाउन पेमेंट अपना, ये ईएमआई है, और मैं देता हूँ उनको 3,000 रुपये महीना, समझे? और ये अभी एक महीना पहले 1 तारीख को, ये 2 दिन नहीं, इससे 1 महीना पहले 1 तारीख को मैं ग्यासू भाई के ऑफिस में इस्माइल वकील के सामने मैं इनको 2,500 रुपये दिया कि भाई ये तुम्हारा ईएमआई का पैसा लो, ये महीने का पैसा, खाली ये महीने का इसलिए बचा हुआ है क्योंकि ये मुझसे 2,500 नहीं मांग रहे, ये मुझसे भी 4,000 का डिमांड कर रहे हैं, बोले हर महीने 4,000 मांगता है। आपका अकाउंट हिस्ट्री होगी ना? है ना अकाउंट हिस्ट्री, उनका अकाउंट आप चेक कर लो ना, उनके अकाउंट में पैसा गया हुआ है। आप यहाँ से ट्रांसफर कर रहे हो तो आपके मेरे अकाउंट से नहीं कर रहा ना, मेरी जो दुकान है ना बाजू मेरे, वो दुकान से मैं ट्रांसफर मार रहा हूँ, और उनके अकाउंट में है हर महीने का 2,500 रुपये अकाउंट में है।